टेंशन की बजाय बीपी शुगर टेंशन की बजाय। अरे तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? मेरे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया था और उन्हें लेकर हमें अस्पताल जाना पड़ा। अरे कैसे कैसे हो गया? वो तो कहीं बीमारी नहीं थे, उनको तो बुखार तक भी नहीं हुआ था। मैं बहुत समय से बीपी था और उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। हमें भी इस बात का पता ही नहीं चला। अरे भाई मेरा छोटा भाई भी अस्पताल में है। क्यों, क्या हुआ उसे? वह कल ऑफिस में काम करते करते बेहोश हो गया। वो तो केवल 20 लाख चाहिए, क्या हुआ था उसे? डॉक्टर ने बताया कि उसका शुगर लेवल हाई है। अरे इतनी छोटी उम्र में ही शुगर? हमने तो पहले कभी ऐसा नहीं सुना। हमने भी पहले ऐसा कभी नहीं सुना। हमारे देश में 10 करोड़ लोग शुगर के पेशेंट हैं। देवर जी जल्दी आइए, आपके भैया बेहोश हो गए हैं, आप मुझे लेकर अस्पताल जा रहे हैं। क्या हुआ मेरे भाई को? डॉक्टर से मेरे भाई को देखो। इन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है, इनके ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर साहब मेरे पति को बचा लो, इनके सिर्फ हमारे परिवार में कोई नहीं है। और मैं अपने भाई को बचा नहीं सकता। भैया आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। मैं सारी मानव जाति को समाप्त कर दूंगा। डॉक्टर साहब, तुम्हारा पैर तो काटना ही पड़ेगा। आप पहले क्यों नहीं आते, इलाज क्यों नहीं कराते? डायबिटीज शरीर को खोखला कर देती है और घाव भरने की क्षमता को समाप्त कर देती है। अब तो इसका इलाज नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे मत बोले डॉक्टर साहब, मैं अपना पैर कटवाना नहीं चाहता हूँ। रेगुलर शूट करो, रेगुलर। मैं हूँ डायबिटीज यानी शुगर। तुम्हारा काम क्या है? हमारे शरीर के अंदर घुसकर बाहर ये आके किसी को खा जाता हूँ। अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे नहीं है। मैं भी आके हाइपरटेंशन मुझसे बच के तो दिखाओ। जाओ 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 कहीं इलाज तो कराओ। जाओ 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 कहीं इलाज तो कराओ। मैं हूँ हाइपरटेंशन मुझसे बच के तो दिखाओ। जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। जाओ 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 किसी वैद्य
को बुलाओ। मैं हूँ डायबिटीज, मुझसे बच के तो दिखाओ। कराओ 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 कोई इलाज तो कराओ। कराओ 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 कोई इलाज तो कराओ। मैं हूँ हाइपरटेंशन, मुझसे बच के तो दिखाओ। और हाइपरटेंशन यानी बीपी सुनाई भी नहीं दिया गया था, और ये अब इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? अरे ये तो हेरिडिटी है, माँ बाप को है तो बच्चे को तो होगी। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा ही होता तो इतने लोगों को एक साथ ये बीमारियाँ क्यों होती? इन दोनों बीमारी का मुख्य कारण है हमारी बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल, हमारा खान पान और हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस। नहीं माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं किसे बर्गर और कोक कॉम्बो ले लूंगा। मैं किसे बर्गर और कोक कॉम्बो ले लूंगा। अरे बेटी, कब तक सोती रहोगी? सुबह उठकर योगा और एक्सरसाइज किया करो। देखती नहीं कितनी मोटी हो गई है। माता पिता को टेंशन, टेंशन टेंशन, बच्चे को स्कूल की टेंशन, टेंशन टेंशन, माता पिता को स्कूल की फीस की टेंशन, टेंशन टेंशन, सड़क को ट्रैफिक की टेंशन, टेंशन टेंशन, भ्रष्टाचार की टेंशन, टेंशन टेंशन, महंगाई की टेंशन, टेंशन टेंशन, दादा दादी को भी टेंशन, टेंशन टेंशन। अरे यार एक बात बताऊं, जब तक बीपी 120 से 80 रहता है इंसान का कुछ नहीं काम करता, लेकिन जैसे ही 140 और 90 से ज्यादा होता है तो उसके शरीर में कीमत उतरा खुल जाता हूँ और उसका दिल मुझे नहीं आ रहा सिखा दूं। और मेरे प्रिय जिंदगी दोस्त हर चीज में नमक, सलाद में नमक, पकौड़ों में नमक, चाट में नमक खाए जा रहे हैं खूब मजे से। और तो और जैसे फास्ट फूड बर्गर पिज्जा मैगी चाउमीन मोमोज सॉस अचार सब खूब मजे से खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अब जल्द ही हमारा साम्राज्य होगा, अब जल्द ही हमारा साम्राज्य होगा। जोर से खून में उबाल देखो।
बीपी शुगर। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 25 साल के ज्यादा आयु के कम से कम 10 करोड़ लोग शुगर यानी डायबिटीज के शिकार है, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक है, और लगभग 30 करोड़ लोग बीपी यानी हाइपरटेंशन के शिकार है। भारत की लगभग 1/3 आबादी इसके कब्जे में आ चुकी है। अरे भाई, तू इसके बारे में पता कैसे चलेगा? क्योंकि इन दोनों बीमारी का कुछ लक्षण ही दिखाई नहीं पड़ता है। भाई साहब जी, सीधा सा सरल उपाय है, बीपी और शुगर का रेगुलर चेकअप।